हजारों के हिसाब से जो है यहाँ पे प्लेट लगी हुई है। तो क्या बात है जी। और देखो जी, बिरयानी भी अब रोजे के वक्त आ गई है लोगों के लिए। बाल्टियाँ देख रहे हो आप, इन बाल्टियों में डाल के जो है लोगों को दिया जाएगा ग्लास में भर भर के। हजरत निजामुद्दीन दरगाह में आज हम रोज़ा खोल रहे हैं। जो रोज़दार हैं और जो रोज़दार नहीं हैं उनका भी यहाँ पे वेलकम है। तो अभी नीचे चलते हैं और थोड़ा सा देखते हैं। अंदर मस्जिद देख रहे हैं, इस मस्जिद के अंदर हो रही है अफ्तारी की प्लेटों की तैयारी। ऑलमोस्ट प्लेट लग चुकी हैं, आप ये देखिए कितना, हज़ारों के हिसाब से जो है यहाँ पे प्लेट लगी हुई हैं। और ये बताइए, ये प्लेट तैयार है मैम? जी हाँ, तो मैं थोड़ा सा देख सकता हूँ इसके अंदर क्या क्या है? हाँ, तो थोड़ा बताएंगे आप ये क्या क्या है इसके अंदर? जी, ये एक चिप्स का पैकेट है, समोसा है नमकीन में, मीठे में ये गुजिया है, एक वेफर्स है, बिस्किट है, फल में तरबूज है, पपीता है, बनाना है, एक नमकीन पकौड़ी है और खजूर है। लगभग 15 एक आइटम्स हैं इसके अंदर। तो मैं थोड़ा सा एक प्लेट देखना चाहूँगा प्लीज़। जी ऑफकोर्स। तो देखिए जी, ये है प्लेट्स जिसके अंदर लगभग जो है 15 एक आइटम्स हैं। बच्चों से लेके बड़ों तक का ख्याल किया गया है इसके अंदर। मीठे में गुजिया भी है, जलेबी भी है, नमकीन में समोसा है, पालक की प्याज की पकौड़ी है, बनाना है और दूसरे फ्रूट्स हैं, स्नैक्स हैं। तो क्या बात है जी, बहुत बढ़िया प्लेट्स लगी हुई हैं। ये जो लगी हुई हैं छोटी प्लेट्स हैं एक आदमी के लिए। जो लोग ग्रुप्स में आते हैं 3 से 4 लोग, उनके लिए थाल हो जाता है। तो ऐसे थाल भी यहाँ पर अभी बना के रखे जा रहे हैं काफ़ी सारे। भाईजन क्या डाल रहे हैं आप इसमें? पकौड़ी है। किस चीज़ की हैं? ये प्याज की हैं। प्याज और आप पालक है और आलू। जगह पे डाली जा रही हैं जलेबियाँ, मीठे में जलेबी। इस साइड पर भी जो है प्लेट के अंदर जलेबियाँ डाली। ये सारी प्लेट्स हैं जिसमें आप देख सकते हैं इफ्तार का क्या क्या सामान है। कट फ्रूट्स हैं, बनाना, समोसा, बिस्किट, चिप्स, खजूर और उसके अलावा शरबत और पानी का इंतजाम। जब दस्तरखान होता है तो शरबत और पानी उनके साथ रख दिया जाता है। और इसके अलावा इसके साथ साथ यहाँ पे बिरयानी, कोरमा वगैरह का जो भी लंगर होता है वो पैक करके दे दिया जाता है उन्हें, सो दैट दे कैन टेक बैक होम एंड ईट। देखो जी, ये है निजामुद्दीन दरगाह और ये देखिए जी, यहाँ पे रूह अफ़ज़े का और दूध का शरबत बनाया जा रहा है। जैसे आप देख रहे हैं ये बड़े बड़े से टप हैं, एक ही टप है। आज आपका भाई आपको दिखा रहा है दरगाह निजामुद्दीन के अंदर की इफ्तार की तैयारी और रोज़े की तैयारी, के रोज़े में क्या क्या यहाँ पर सर्व किया जाता है और कितने हज़ारों की तादाद से लोग आते हैं। इंडिया के कोने कोने से लोग आते हैं और आके यहाँ पर रोज़ा खोलते हैं। चाहे कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, बैठ सकता है, खा सकता है, किसी के लिए कोई मनादी नहीं है। इसमें रोज़दार भी हैं, बिना रोज़दार के भी हैं, सबके लिए यहाँ के दरवाज़े खुले हुए हैं और आते हैं सब, पेट भर के खाना खाते हैं। नॉर्मल दिनों में यहाँ पे लंगर लगता है और रमज़ानों के अंदर इसी तरीके से अफ्तार का टाइम होता है, उस टाइम पर खाना भी खिलाया जाता है और अफ्तार के लिए प्लेट्स भी लगाई जाती हैं। तो अभी हमने प्लेट्स देखी हैं किस तरीके से लग रही थी। जिसका जो मन करता है, जिसका जो दिल करता है वो यहाँ पर आता है और आके जो है यहाँ पे देखे जाता है। तो दुआओं के काम है और मैं भी यही कर रहा हूँ कि आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से जो है यहाँ पे इंतज़ाम है। चलिए मैं आपको लोग दिखाता हूँ कितने क्वांटिटी में और यहाँ पे कैसे बैठते हैं, देखिए जी। सब लोग अब बैठते जा रहे हैं और अब इन सबों के आगे प्लेटें लगाई जाएंगी। ये है रमज़ान की रौनक, ये देखिए।
देखो ये अभी हमने अंदर देखा था, वहाँ पे भी कम से कम जो है 300-400 लीटर बना हुआ था, और यहाँ पे ये बड़ा सा टप रखा हुआ है 1500 लीटर दूध का शरबत इसके अंदर भी बना हुआ है, रूह अफजा और दूध का। यहाँ से अभी इन बाल्टियों में, जैसे ये बाल्टियाँ देख रहे हो आप, इन बाल्टियों में डाल के जो है लोगों को दिया जाएगा ग्लास में भर भर के। रूह अफजा का शरबत दूध के साथ मिला के पेश करते हैं लोगों को इफ्तारी के लिए, और कम से कम 1500-2000 आदमी तकरीबन हर दिन। जी जी, आप देख रहे हैं शरबती कुर्ते के अंदर, पिंक कुर्ते के अंदर ये हैं अफसर भाई जो यहाँ के इंतजामिया हैं। थोड़ी सी बात करते हैं अफसर भाई से। देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि क्या आप सबको मैं यहाँ दरगाह की तरफ से भी अपनी तरफ से आप सबको रमजान शरीफ की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और आपने जैसे शूट करा है, ये दरगाह की तरफ से पूरा इंतज़ाम होता है। अफतारी की प्लेट होती है माशाल्लाह, इसके साथ बिरयानी की प्लेट होती है, इसके साथ रोज़े का मतलब यानी कि गिलास का शरबत होता है, पानी होता है, ये सब दरगाह हज़रत महबूब इलाही की तरफ से होता है सारा। और जितने भी ज़ायरीन यहाँ आसानी के अंदर आते हैं, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, औरत मर्द हो, बच्चे हो, ये सब दरगाह की तरफ से जो है पूरा इंतज़ाम होता है। और यहाँ सब लोग आन के यहाँ रोज़ा खोलते हैं दरगाह की तरफ से। और देखिए जी, वहाँ हमने देखा रोज़े की अफतारी की प्लेटें लगाई जा रही हैं, और यहाँ पर जो है बिरयानी की देगें भी आ गई हैं। ये है बिरयानी जो अब प्लेटों में निकाली जाएगी, ये सारी देगें लगी हुई हैं। किस चीज़ की है भाई ये? वेज बिरयानी है। अरे वाह, खुशबू तो इसमें बिल्कुल चिकन जैसी आ रही है। सबको जो है एक एक करके जो बिरयानी है, ये वेज बिरयानी है जी, ये वेज बिरयानी दी जा रही है सबको, और ताकि सब आराम से अपना पेट भर सकें। ये तो सिर्फ बिरयानी की जो है थैलियाँ हैं, और अभी प्लेट्स भी इसके बाद लगेंगी। उस वक्त जो है प्लेटें तैयार हो रही थी, और अभी जो है प्लेटें तैयार हो चुकी हैं। इस तरीके से जो है टपों के अंदर प्लेट्स लगा के बाहर पहुंचाई जाती हैं, क्योंकि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है और टाइम कम होता है, तो सारी चीज़ें टाइम पर पहुँच जाएँ और सब रोज़दारों के आगे रख दी जाए। तो ये सारा काम जो है अफसर भाई की निगरानी में किया जा रहा है। तो भाई कितनी एक प्लेट्स होंगी लगभग? माशाल्लाह अभी जो है ये 1200 प्लेटें यहाँ पर, और हज़रत अमीर पाक के आसानी के अंदर माशाल्लाह 500 प्लेटें वहाँ हैं और 300 प्लेटें अलग हैं। तो मतलब ये कि रोज़ की जो है माशाल्लाह 2-2500 प्लेटें अलहमदुल्ला। क्या बात, ये सब टब जो है अब बाहर आते जा रहे हैं, जो अंदर अभी हमने देखा था जो है रखी जा रही थी प्लेट्स। देखिए जी, यहाँ पे जो है दस्तरखान अपना लग गए, सब लोग अपना बैठे हुए हैं और दस्तरखान लगा दिए गए हैं। अब यहाँ पे जो प्लेटें अंदर बनाई थी, वो सारी प्लेटें इस जगह पे लगा दी जाएंगी लोगों में। तो आप देखिए, हज़ारों की तादाद में माशाल्लाह लोग हैं, और सबको यहाँ पे 300 दिन और साल के 12 महीने इसी तरीके से खाना खिलाया जाता है। आज तो रमज़ान है, रमज़ानों में अफ्तारी का वक्त है, वैसे यहाँ पर लंगर चलता है। देखिए जी, अब ये प्लेटें आना शुरू हो गई हैं। और यहाँ पे हर साइड पे, हर कोने में यही चल रहा है। देखिए मेरे पीछे जो है यहाँ पे प्लेटें तकसीम की जा रही हैं, प्लेटें दी जा रही हैं, जो अभी हमने अंदर बनते हुए देखी थी, चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों। और यहाँ पे जो है रूह अफज़े का शरबत। हज़ारों की तादाद से लोग आते हैं यहाँ पर। लेडीज़ का ख़ास इंतज़ाम है अंदर, जो आप सामने देख रहे हैं वहाँ पे सारी लेडीज़ रहती हैं अंदर, और यहाँ पे बाहर सारे जेंट्स हैं। बाबा पेट भर जाएगा एक प्लेट में आराम से। हाँ, तकरीबन मैं आपको दिखाऊँ तो अब ये है प्लेट, एक ग्लास रूह अफ़ज़ा है, शरबत है, और ये जो है, और इसके अंदर जो है चिप्स है, और समोसा है, जलेबी है, एक आदमी के लिए सफिशेंट है। बिरयानी नहीं ली आपने? हाँ, बिरयानी लेके अलग रखी हुई है। चलिए बढ़िया है जी। तो जी ये देखिए, ये सबके लिए अभी प्लेट्स कंप्लीट हो चुकी हैं। रोज़े का टाइम होने वाला है, मुश्किल से 2-4 मिनट बचे हुए हैं,
और सबको एक एक प्लेट बिरयानी और जो है अफ्तार की जो हमने प्लेटें देखी थी 10-15 उसमें आइटम थी, एक लस्सी और एक रूह अफजे का ग्लास सफिशेंट है। एक आदमी से खाया भी नहीं जाएगा, बचा के घर लेके जाएंगे या जैसा भी है खाएंगे, लेकिन भूखे नहीं रहेंगे, पेट भर जाएगा सबका। नहीं भाई, पेट भर जाएगा। एक किलो बिरयानी है, सही है जी, एक किलो बिरयानी एक प्लेट के अंदर है, बढ़िया है। कैसा लग रहा है आप लोगों को? अच्छा है, मनपसंद है आपका? हाँ, वेरी गुड। देखिए जी, अब जो है हॉर्न हो गया, हम भी रोजा खोल लेते हैं। अब रोज़ा खोलने के बाद ठंडा ठंडा रोज़े का शरबत दूध के साथ दिल को सुकून पहुंचा देता है। ये जो अभी हमने देखी थी गुजिया, काफ़ी सारा ड्राई फ्रूट। मैं हूँ इस वक्त हज़रत निज़ामुद्दीन दरगाह में। हम आज यहाँ पे रोज़े अफ्तारी का जो है शूट कर रहे थे। काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे शूट करके, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। Yeah.